हम लोग दुआ के लिए जिंदा लोगों के पास भी जाते हैं, फिर बुजुर्गान दीन किए मज़ारों पर भी जाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जिन साहब के पास हम गए हैं दुआ के लिए, उन्हें अपना मामला बल्कि मामलात तमाम तर जुज़ियात और तफसीलात के साथ पहले बयान कर दें और आखिर पर हम दुआ के लिए अर्ज करें। अगर हम लोग किसी फकीर के पास गए हैं, साहिब नज़र के पास गए हैं, तो हमें तो सिर्फ उसको एक इंडिकेशन ही देनी है कि मैं आया क्यों, बाकी वो तमाम तर तफसीलात रब ताला उसे खुद दिखा देता है। उसको ज़रूरत नहीं पड़ती इन तमाम तफसीलात की जो हम उसको फीड करने की कोशिश करते हैं। तो एक अननेसेसरी हम अपना वक्त वहां बर्बाद कर रहे होते हैं। दूसरी चीज ये है कि वो साहिब नजर है, साहिब इल्म है, उसको रब ताला ने अपने इल्म के जरिए से ऐसी समझ अता फरमाई है कि वो ज़रा सा एक हिंट अगर उसके मिल जाए तो उससे वो पूरी बात को खुद ही समझ जाएगा। और उस मकाम तक पहुंचने के लिए वो चूंकि ज़्यादा गौर व फिक्र में मुबतला रहा, अल्लाह की याद में गर्क रहा, तो उसे आदतन कम बोलने की आदत हो जाती है। जिस आदमी को खुद कम बोलने की आदत है वो ज्यादा बोलने वाले को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। फकीर है, मुंह से तो वो कुछ नहीं कहेगा मुझे, लेकिन अंदर उसके झुंझलाहट पैदा होगी। एक बात हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे तो कभी समझ में नहीं आई थी कि बुजुर्ग हमेशा ये कहते थे कि फकीर का दिल जीतो। ये नुक्ता समझ में नहीं आता था कि मैं तो एक बार दुआ करवाने गया हूं, वहां मुलाकात के लिए गया हूं, तो मुझे क्या लगे उनके दिल जीतने से। लेकिन रफ्ता रफ्ता एक किस्सा ये पता चला कि ये तो एक बाकायदा निजाम है जो काम करता है कि फकीर अगर मुझसे प्यार करने लगा या मेरे लिए उसके दिल में लाइकिंग डेवलप हो गई, वो दुआ करे या ना करे मेरा भला हो जाएगा। इसलिए कि रब इतना वजादार है, इतना हया वाला है कि वो ये देखता है कि मेरे दोस्त को पसंद है ये आदमी, उसके काम वैसे ही हो जाते हैं। और अगर चढ़ गया फकीर तो वो दुआएं करेगा आपके हक में, पूरे खलूस से करेगा, मोहब्बत से करेगा, लेकिन नुकसान ही होता है, ये देखने में आया। तो ये नुक्ता अब समझ में आया कि बुजुर्ग हजरात ये क्यों कहते थे। हम जाते हैं किसी फकीर के पास तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम न सिर्फ अपने सारे रुके हुए मामलात की तफसील बना के कागज़ पर लिख कर ले जाए, बल्कि और अजीज रिश्तेदार पड़ोसी राह चलते लोग उनके भी मामलात ले लें। तो एक लंबी लिस्ट लेके हम फकीर के सामने जा बैठते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये फकीर है, इसने दुआ करनी इंसान है। माँ से ज्यादा बच्चे को दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता, ये तयशुदा बात है।
रब है जो मां से ज्यादा प्यार करेगा। आप साहिब औलाद हैं, आपको खुद अपना भी तजर्बा हुआ होगा और देखा भी होगा कि अगर एक बच्चा अपनी माँ से एक सवाल करता है तो माँ बड़ी दिल जमाई से पूरी तवज्जो से उसको जवाब देती है। दूसरा सवाल, तीसरे सवाल पर वो बेदिली से जवाब देने लगती है। तो जब तक पांचवें सवाल तक बच्चा पहुंचेगा वो उसे गूंगा करके टालना शुरू कर देगी, और आठवें नौवें सवाल पर एक चपत पड़ती है बच्चे को कि खामोश भी बैठते हो या नहीं बैठते। तो अगर माँ का ये हाल है तो जब हम फकीर के पास 25-26 सवाल लेके जाएंगे तो वो कंप्यूटर नहीं, उसे दुआ करनी है आपके लिए। ये सिर्फ कंप्यूटर है जिसका बटन दबाते जाएंगे स्क्रीन पर जवाब आता जाएगा, तो वो दिल जमाई से दुआ नहीं कर सकता। एक आध तो दुआ कर देगा, उसके बाद फिर हम अगर ये एहतियात कर लें कि कम से कम बात कर लें फकीर से, फायदे में रहेंगे। मजार पे हम जाते हैं तो मैं तो बाकायदा अपने सेक्रेटरी को साथ लेके जाता हूं, जिसने ब्रीफ केस उठाया होता है उसमें एक फाइल होती जो मैं तैयार करता हूं, उस फाइल में सवालात लिखे होते हैं। तो आमतौर पर कोई 300-400 दुआएं लेके जाता हूं कि मैं वहां खड़ा होके, वो मेरी बला से मेरे पीछे लोग खड़े हैं जिन्होंने फातिहा पढ़नी है, वो धक्के भी दें मैं वहां से हिलता नहीं कि मैं तो ये पूरी फाइल लेकर आया हूं, ये बयान करके ही जाऊंगा। वो और बात है कि 300 सवाल करने के बाद एक कभी दुआ पूरी ना हो कभी, लेकिन मुझे तसल्ली हो जाती कि मैंने 300 सवाल कर लिए। दुआ पर सिलसिला क्या है, शायद इसको इस नुक्ते से मैं ज्यादा वाज़े कर पाऊं। आपके पास एक शख्स आए कि जी मैं आपको सलाम करने आया हूं, मुझे बड़ी मोहब्बत है आपसे, और चलता हुआ आपसे कहे कि जी मेरे भाई का मामला है, जरा पुलिस स्टेशन पर रिंग तो कर दें कि वो छूट जाए। आप कर देंगे, ठीक है। अगले दिन फिर आगे आ जाए वो आपके पास, सलाम दुआ करे जी मैं मोहब्बत से सलाम करने आया हूँ, काम कोई नहीं, और जाता हुआ आपसे एक काम कह दे कि ये कर दीजिए। जब आठवीं दसवीं बार वो सलाम करने आएगा तो आप उसकी शक्ल देख के घबराने लगेंगे। तो आपको ये होगा कि फिर कोई काम ले आया है। इसके बरक्स एक आदमी है, वो आता है दरवाजे में से सिर्फ सर अपना अंदर करता है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, बस मैं सलाम करने आया था, अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूं, चला गया। तो वो तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन आप उसको खुद बुलाएंगे कि भाई जरा अंदर आओ, एक मिनट आ जाओ। तो वो जब आपके पास आएगा तो आप उससे पूछेंगे कि आप मुझे रोज सलाम करने आते हैं, कोई काम है मुझसे क्या आपको? तो आपको जवाब दे कि नहीं जी कोई काम नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी मोहब्बत से आपको सलाम करने आता हूं, सलाम करके जा रहा हूं, सलाम करके फिर चला जाए। वो तो फिर भी आए जब, तो आप मजबूर हो जाएंगे कि अपने मुलाजमों को ये कहें भाई इस आदमी का ख्याल रखना, इसका कोई अगर काम हो तो कर देना। अब ये अज खुद आपने किया है। तो फकीर जो दुआ आपके लिए अपने दिल से करता है, खुद अज खुद करता है बगैर आपके कहे, वो काम करती है और बड़ी तेजी से काम करती है। फिर तो जब आप किसी मजार पे जाएं या फकीर के पास जाएं तो वहां जाके फातिहा पढ़िए, अल्लाह से दुआ कर कीजिए, और उन साहिब मजार से इजाजत लीजिए और चले आइए। आप देखेंगे कि अगर आप रेगुलर जाने वाले हैं, रेगुलर से मुराद ये नहीं डेली या वीकली मंथली, जब वक्त मिला आप चले गए और ये रवैया रखा
तो आपके बहुत से काम अज खुद होना शुरू हो जाएंगे अपने आप। तो दुआ के सिलसिले में बहुत इख्तसार से काम लीजिए, फकीर से गुफ्तगू करें बहुत इख्तसार के साथ, बल्कि मेरा तजर्बा यह है कि अगर दुआ के लिए किसी को नहीं कहा तो मैं ज्यादा फायदे में रह गया। मैं एक मजार पे बहुत पाबंदी से जाता था, तो साहिब मजार से मुलाकात हो जाती थी, तो जब भी मुलाकात हुई अपनी बेवकूफी में हर मर्तबा उनसे कह देता रहा कि अच्छा ये कर दीजिए। वो पूछते थे क्या चाहिए, बता दिया, काम हो जाता था। एक बार मालूम नहीं वो मुझसे ये गलती कैसे हो गई कि मैंने अकलमंदी की बात कर ली। वो हादसा ही पेश आएगा अगर मैं अकलमंदी की बात कर जाऊं कभी। उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, तो मैंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि आज आप अपनी पसंद का तोहफा दे दीजिए। तो फरमाने लगे अच्छा मैं अभी देता हूं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं और मुझे ये मालूम है कि वो नाम के भी सुल्तान हैं और दिल के भी सुल्तान हैं। किसी ने सही नाम उनको सुल्तान दिया था कि वाकई सुल्तान है वो। उनके मजार से बाहर आ गया, इंतजार करता रहा कि क्या मिलेगा। गाड़ी में आके बैठ गया, कुछ भी नहीं मिला। तो गाड़ी चला के मैं मेन रोड तक आया, कुछ भी नहीं मिला। हत्ता कि मैं फैसलाबाद पहुंच गया, कुछ भी नहीं मिला। तो उन दिनों जुमे की छुट्टी होती थी, जुमा था उस दिन। तो एक मस्जिद के पास से गुजरते हुए मुझे एहसास हुआ कि शायद यहां जुमा होने लगा है। मैंने गाड़ी रोकी, अंदर गया तो वाकई इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े हो रहे थे। तो नमाज पढ़ के मैं बाहर निकला, गाड़ी की तरफ चल रहा था तो मुझे पीछे से सलाम करने की आवाज आई। पलट के देखा तो एक साहब ने मुझे कहा कि मैं लाहौर में आपके पास आता रहता हूँ। बड़ी खुशी हुई। तो फरमाने लगे कि ये सामने चाइनीज रेस्टोरेंट है, खाना आप यहाँ मेरे साथ खाइए। तो मैंने सोचा कि ये कह रहे हैं मेरे साथ खाइए तो ठीक है, मैं खा लेता हूँ, बिल दे दूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि आइए। कहने लगा अभी दो तीन और हजरात भी हैं, वो भी आपके पास आते हैं, उनको भी ले लेते हैं। वहां जाके रेस्टोरेंट में हम बैठ गए। अब मेरा जहन फंसा हुआ है कि मुझे कहा था कि मैं देता हूँ अभी, तो अभी तक कुछ मिला नहीं, क्या हुआ। तो मेन्यू रखे वेटर ने सामने, तो वो साहब मुझे फरमाने लगे आप ऑर्डर प्लेस कीजिए। तो मेरे पास आपके लिए तोहफा है, वो मैं आपको दे दूं। तो मैंने कहा नहीं, बड़ी मेहरबानी। उन दोनों मैं तोहफे भी कबूल नहीं करता था, किसी कोई चीज दे वो मैं नहीं लेता था। तो मैंने कहा मुझे मालूम है आप कुछ लेते नहीं किसी से, लेकिन ये तोहफा ऐसा है कि आप मेरे एहसानमंद होंगे लेके। तो ये जुमला पहली बार जिंदगी में सुना कि तोहफा देने वाला ये कहे कि आप एहसानमंद फील करेंगे। मैंने कहा ऐसी क्या चीज है, लाइए। वो सामने उनका घर था, ले आए तो अखबार कोई चीज लिपटी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा ये बकरे की रान है। तो मैं दिल में सोचा कि इसमें एहसानमंदी की क्या बात है। तो जब उन्हें टेबल पर रखा तो गोला तो झाड़ू था, तो मैंने उसको जरा गौर से देखा, एकदम दिल से आवाज आई कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास रोज़े मुबारक की जो नीचे जगह है कच्ची, ये वहां का झाड़ू है। तो मैंने उनसे कहा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आराम फरमा रहे हैं वो गहराई में है, नीचे कच्ची जगह है, ये वहां का झाड़ू है। बिल्कुल सही पहचाना, ये लगा हुआ है।
तो मैंने कहा जी मैं वाकई जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। तो अगले दिन ऑफिस जाता हुआ मैं मुर्शिद साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, फातह पढ़ रहा था, खड़ा हुआ तो उन बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। तो बड़े मुस्कुरा के कहने लगे कि तोहफा पसंद आया तुम्हें? तो मैंने कहा हजूर कमाल की चीज दी आपने। तो वो एक गलती हुई कि मैंने अकलमंदी से काम लिया कि मैंने कह दिया कि अपनी मर्जी से दे दीजिए। तो क्या कमाल की चीज हासिल हुई, ये झाड़ू लगा हुआ है और इसका कमाल ये है कि इसके करीब खड़े हों आपका दिल खुद बोलता है कि रोज़ा मुबारक का झाड़ू है। तो अगर हम साहिब मजार पे छोड़ दें या फकीर पे छोड़ दें बात, तो बेहतर नताइज निकलते हैं। तो एक लाइटर नोट पर बात कर रहा हूं, उसमें गिला नहीं है, सिर्फ मजाक के रंग में बात कर रहा हूं। मुझे 31 साल हो गए दुआ करते हुए और आजकल ऑन एवरेज में तकरीबन कोई 1600 लोगों को पर वीक मिलता हूं हर हफ्ते। बड़े बड़े अच्छे लोग दुआ कराने आए, लेकिन जिंदगी में दो दुआएं मैं कभी नहीं भूला और अजीब इत्तेफाक है वो दोनों दुआएं एक ही दिन में इस्लामाबाद में करवाने आए लोग मुझसे। तो एक साहब अंदर एंटर हुए, इस्लामाबाद में भी हार्डली 10 सेकंड 15 सेकंड मिलते हैं एक आदमी को, रश बहुत होता। तो बाहर जो ऑर्गेनाइज करने के लिए दरवाजे पे होते हैं वो अंदर एक सवाल से ज्यादा पूछने नहीं देते। तो साहब आए अंदर, उन्होंने खालस अपने इलाकाई जुबान में मुझे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने पूछा कि फरमाइए क्या होगा? मैं कहने लगे कि जी माड़े की कारोबारी बहुत नुकसान होना है, मैं सोने नहीं हाथ लाना है तो मिट्टी वो छोड़ दा। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा हजूर आप कारोबार क्या करते हैं? कारोबार तो कोई ना करना जी। तो मैंने कहा अच्छा, तो ऐसा कर लीजिए कि आप कोई कारोबार शुरू करने का इरादा कर लें तो आप तशरीफ ले आइए, फिर मैं दुआ कर दूंगा। तुसन नहीं दसो ना जी केड़ा कारोबार करा। तो मैंने कहा जनाब अगर इतना ही काबिल होता तो मैं कोई शरीफ आदमी ना होता। तो माएगी किसना पता लग सी केड़ा कारोबार करा। तो मैंने कहा जनाब ऐसा है कि आपके आप 5-6 कारोबार सोच आइए, वो लिख लाए मुझे बता दीजिए, मैं दुआ करके आपको बता दूंगा कि कौन सा कारोबार आपको सूट कर जाएगा, वो कर लीजिएगा। मैं किसान सोच समझी। मैंने ये वाकई सवाल मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो मैंने कहा अच्छा चलिए ऐसा कर लें, आपके जानने वाले होंगे तो जिनके बारे में आपको ये ख्याल हो कि ये पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। ना पर माड़ी की किसने पता लग सी कि मेरे मिलन वाले जो केड़ा अकलमंद है केड़ा बेवकूफ है। वो बाहर खड़े हुए लोग बेचैन हो रहे हैं, वो बार बार दरवाजा नॉक कर रहे हैं। तो अच्छा मेरे ख्याल यूं कर लें, अगर आपको ये नहीं पता आपके मिलने वालों में समझदार कौन है तो आप इंटरनेट पर चले जाइए, वहां आप सर्च में डालिए कि बिजनेसेस फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, तो एक लंबी लिस्ट निकल आएगी, उसमें जो आपको पसंद आ जाए वो आप नोट कर लीजिए। माड़े को इंटरनेट कोई ना। अच्छा जनाब, तो मैंने कहा ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ये पास आप पारा मार्केट है, यहाँ इंटरनेट कैफे होंगे, वहां चले जाइए, 10 रुपए देंगे उसको, आपको इंटरनेट इस्तेमाल कर लेने देगा। माड़े की कंप्यूटर इस्तेमाल करना कोई ना आना है।
मैंने कहा अब अगर इससे आगे मैं चलूंगा तो ये मुझे बाजू से पकड़ेगा कि वहां बैठ के निकाल के दो मुझे। तो मैंने उनसे जान फड़ाई, मैंने कहा कि अच्छा ऐसा कर लीजिए, आप फिर किस वक्त तशरीफ ले आइए तो मैं खुद निकाल दूंगा आपको, जाइए। तो ये दुआ कभी नहीं मैं भूला कि ऐसी दुआ भी होती है। उसी दिन कोई 8-10 लोगों के बाद एक इंतहाई वेल ड्रेस्ड, बहुत ही डिसेंट और रिफाइंड इंसान अंदर आया और उसके चेहरे पर था कि बहुत ही रिफाइंड है, वेल मैनर्ड है। दिल खुश हुआ उसे देख के कि इतना रिफाइंड और वेल मैनर्ड इंसान है। तो वो जब बोले तो वाकई ऐसा लग रहा था कि फूल झड़ रहे हैं मुंह से उसके। तो मैं कहने लगा शाह साहब एक तकलीफ करें, मैं जी हुक्म करें आप, मैंने CSS का एग्जाम दिया है, उसकी दुआ रिजल्ट के लिए दुआ कर दे कि मैं पास हो जाऊं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा, सही याद है मुझे, तो इसका रिजल्ट तो आमतौर पर नवंबर में आता है, तो आप एक वीक पहले तशरीफ ले आइए, मैं दुआ कर दूंगा। नहीं, वो मुझे मालूम है आप रिजल्ट से एक वीक पहले ही बुलाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा अगर मालूम है तो फिर भी आप तशरीफ ले आए, कि मेरा ख्याल है कि शायद नवंबर तक आप जिंदा नहीं होंगे, तो मैंने सोचा अभी आपसे दुआ करा लूं। ये हम असल में कसूर नहीं है हमारा, दुनिया दुनियावी कामों की गर्ज हमें वहां तक ले गई है। अक्सर आप देखिए, ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिसपे आपको फायदा हो जाए। बहुत लोग दुआ कराते हैं कि जी वो मैंने एजेंट को इतने लाख रुपए दिए हैं तो मुझे स्टूडेंट वीजा दे रहा है, तो मैं वहां जाके नौकरी करूंगा, दुआ करेंगे वीजा मिल जाए। अब वो फकीर आदमी क्या दुआ करे इसकी, एक तो रिश्वत दे रहे हैं हम, दूसरा इल्लीगल काम करने लगे हैं, और फकीर को हम ये कह रहे हैं कि रब ताला जो मना करता है रिश्वत देने से, रब ताला जो इल्लीगल काम करने से मना करता है हमें, हम उसी को ये कह रहे हैं कि या अल्लाह तो हमें इसमें कामयाब कर दे। तो फकीर क्या करेगा वहां? और फिर यह है कि जो काम मैं वीजा अगर ले लेता हूं झूठ बोल के, यहां अम्बेसी को झूठ बोल के धोखा दिया है मैंने, उस मुल्क में पहुंचकर वहां की गवर्नमेंट को धोखा दिया है मैंने, तो उस तरह से कमाया हुआ रिस्क रिस्क के हलाल तो नहीं हो सकता। ये बड़ी बारीक सी एक बात है कि इस तरह की दुआएं अगर हम जाके करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। चलिए, बात बहुत संजीदगी की तरफ निकल गई। चंद इतवार पहले मैं यहां बात कर रहा था कि एक हदीस मतवातर है कि कुरान 7 हरफों पर उतारा गया है, तो उस पर हमने बात की थी। उसी जिम्न में मैं अर्ज कर दूं कि जिस तरह वो 7 हर्फ हैं, हर्फ रसालत, हर्फ नबूवत, हर्फ हकीकत, हर्फ रूह, हर्फ इल्म, हर्फ कब्ज, हर्फ बस्त, ये 7 हरूफ, आगे इनके फिर जैली हरूफ हैं, वो हर हर्फ के 366 बनते हैं।
लेकिन एक कमाल की चीज ये है कुरान पाक में, और एक नुक्ता समझ में आया कि जेर जबर पेश के बारे में इतनी एहतियात का हुक्म क्यों है। हम तो ये समझते थे कि जेर जबर पेश चेंज होने से मायने बदल जाते हैं, लेकिन पता ये चला कि वो जाहिरी वजह है उसकी, लेकिन बातनी वजह तो कुछ और है उसके पीछे। जो पेश है उसका ताल्लुक एक हर्फ से है, जबर का ताल्लुक एक हर्फ से है, जेर का ताल्लुक एक हर्फ से है। ये ताल्लुक तो अपने कायदे की बात है, लेकिन हैरत उस वक्त होती है जब ये पेश जेर जबर मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल जब होते हैं तो उनका मकाम और उनके असरात बिल्कुल ही बदल जाते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह है, अब इस पर जो पेश आती है उसका मकाम जो है, उसकी जो बराह रास्त ताल्लुक है वो हर्फ रसालत से है। इसी तरह अलिफ के ऊपर जबर, उसका ताल्लुक है। फिर इसमें जब जो लाम इस्तेमाल हुआ है उससे मुशाहिदा खुल जाता है। तो अगली इतवार इंशाअल्लाह ताला इस पे बात करेंगे। किसी ने सूरह फातिहा की तशरीह के बारे में एक बार फरमाया था, वो जाहिरी मायनों की कर दी थी। इस दफा कोशिश करेंगे कि इसके बातनी मायनों से भी उसकी तशरीह कर दी जाए सूरह फातिहा की। इसराइल इलाही एक ऐसा मौजू जिस पर बहुत कुछ मैसर नहीं है। आपकी गुफ्तगू इस मौजू पर सुनी जिससे बहुत से नए बाप वाह हुए, मगर कुछ तिश्नगी भी महसूस होती है क्योंकि गुफ्तगू का सिलसिला किसी कॉल की वजह से मुनक़ता हो गया था। असल में इसरार इलाही ऐसा मौजू नहीं है जिसको इंसान एक नशिस्त में, सौ में, हजार में, एक लाख नशिस्तों में कवर कर पाए। ये तो किस्सा कुल कायनात का है, इसलिए कि इसरार इलाही मुहित हैं कुल कायनात पर। तो कई जिंदगियां अगर गुजर जाएं इंसान की और वो इसरार इलाही पर मुसलसल गुफ्तगू करता रहे तो उस पर सैर हासिल गुफ्तगू नहीं कर पाएगा, इसलिए कि वुसअत उसमें बहुत है। आप इसका अंदाजा इससे कर लीजिए कि हमने हदीस से बात शुरू की, वो चलते चलते सात हरूफ पर आ गई, सात हरूफ की तशरीह करते करते उसके जैली हरूफ आ गए और वहां से बात अब जेर जबर पेश पर चली गई, और जब यहां से बात चलेगी तो वो अनवार इलाही पर चली जाएगी। तो ये जिस तरह प्याज का एक छिलका आप उतारें तो नीचे एक और छिलका आ जाता है, छिलके उतारते जाइए। इसी तरह इसरार इलाही पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो पर्त खुलते चले जाते हैं, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो ही नहीं सकती कि इंसान की तबीयत सैर हो जाए। जो जो इस पर गुफ्तगू होती चली जाएगी तृष्णगी बढ़ती जाएगी, यही इसका कमाल है और यही
इसकी इसका चार्म है कि जो जो इंसान को इसरार इलाही का एक मामूली सा हिस्से की झलक दिखा दे रब, तो फकीर फिर और ज्यादा शिद्दत के साथ रब के हजूर गिड़गड़ाने लगता है कि इससे आगे दिखा दे रब ताला मुझे। तो जो जो रब उस पर उसको अपने इसरार की झलक दिखाता जाता है, उसकी प्यास बढ़ती जाती है फकीर की। ये जो जेर जबर पेश के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी इसरार हैं कुरान के, और कुरान कलामी इलाही है। तो इस पे इंशाल्लाह ताला अगली इतवार बात करेंगे, लेकिन आपकी तशनगी और बढ़ती जाएगी कि इसका चार्म ही यही है कि इंसान का इंसान सैर नहीं हो पाता इससे। एक और किसी साहब ने लिखा है कि आपने मुतअद्दिद मौके पर सूरह अखलास के हवाले से गुफ्तगू की है, आपके मुताबिक इसके विर्द से जादू के असरात से महफूज रहा जा सकता है। पिछले हफ्ते 7 हरूफ वाली हदीस की वजाहत में भी आपने इस सूरह का जिक्र किया कि जो सूरह की फतह कबीर हासिल कर लेगा वो रूह लफ्ज रूह को जान लेगा। बराए मेहरबानी सूरतुल अखलास की वजाहत कर दें, नीज इसको वजीफे के तौर पर पढ़ने की बरकात भी बयान कर दें। यकीनन इस पर हम अपनी बारी आने पर बात करेंगे इंशाअल्लाह, अगर जिंदा रहा उस वक्त तक। तो ये बात तय है कि सूरह इखलास के पढ़ने से रिस्क की कमी दूर होती है। इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी में जो दुश्वारियां पेश आती हैं उसमें आसानियां हासिल होने लगती हैं इंसान को। और जो शख्स इसको इसका दौरे कबीर मुकम्मल कर ले उसको इल्म बहुत ही आला पाए का हासिल होता है। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं वाकिफ हूं। अब इसमें एक नुक्ता ये आ जाएगा कि सूरह अखलास को या किसी और सूरह को हम अगर इस नीयत से पढ़ें कि हम जादू से महफूज रह जाएं या हमारे दुनियावी काम हो जाएं, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा कोई मुनासिब बात नहीं होगी। वो इसलिए कि ये कलाम इलाही है। कलाम इलाही हम तक रब का एक पैगाम ये पहुंचाता है, और खास तौर पे ये सूरत वो सूरह तौहीद भी कहलाती है। इसका एक नाम अरब में सूरह तौहीद भी लिया जाता है। ये हमें तालीम दे रही है कि रब एक है। ये सवाल गालबन यूरोप में किसी ने मुझसे पूछा था, या कहा या अमेरिका में सवाल ये पूछा किसी ने कि 2 लफ्ज हैं वाहिद और आहद, दोनों के मायने एक हैं, वाहद आहद, तो इनको इस तरह से क्यों इस्तेमाल किया गया है कि बावजूद मायने एक होने के ये दोनों अपनी अपनी जगह अलहदा दिखाई देते हैं। तो मैंने एक अर्ज की थी कि बेशक उनके लफ्जी मायने एक हैं, वाहद और आहद, इसका मतलब है एक, लेकिन फर्क यह है कि वाहिद जो है वो गिनती के एक को जाहिर करता है,
कि रब एक है। आहद रब को यकता के मायनों में बताता है रब के बारे में कि रब अपनी जात में यकता है, बेमिसल है, लासानी है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। आहद इन मायनों में आता है और वाहिद एक के मायने में आता है कि दो नहीं है, वो एक है। अब जब ये सूरह हमें ये तालीम दे रही है रब के बारे में, ये बता रही है कि ना उसने किसी को जन्म दिया ना उसे किसी ने जन्म दिया है, उसकी कुदरत को बयान कर रही है, बयान कर रही है कि वो ऑल टाइम पावरफुल है, कोई चीज उससे बाहर नहीं है। तो हम जादू से ऐसे खौफजदा हूं कि उसको भगाने के लिए इस सूरा पढ़ने लगे हम, कि हम पर कोई जादू ना हो पाए, जबकि हमारा ईमान यह है कि कोई शख्स मुझे फायदा नहीं दे सकता, इसलिए कि रब ने खुद कहा कुरान में, कोई शख्स मुझे कोई फायदा नहीं दे सकता अगर मेरा रब मुझे फायदा न देना चाहे, कोई शख्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर रब ने चाहे। तो जब एक गारंटी मेरे पास मौजूद है कुरान पाक से, और मैं ये समझता भी हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ रब है जो मेरा फायदा या नुकसान कर सकता है, जो मुझे जिंदगी दे सकता है, मुझसे जिंदगी छीन सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा रब है जो मुझे इज्जत दे सकता है, और मेरा ईमान ये भी है कि मेरा रब इतना पावरफुल है कि अगर वो किसी चीज को देना चाहे मुझे, तो किसी में ये ताकत नहीं कि उसे रोक सके, और अगर वो खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ फरमाए मुझे नुकसान देना चाहे, तो सारी दुनिया मिलकर भी मुझे नहीं उस नुकसान से बचा पाएगी। तो जब हम ये मानते हैं तो जादू क्या बेचता है, जादू क्या कुव्वत रखता है? अगर मेरे रब ये चाहे कि मुझे जादू कोई नुकसान न दे सके, तो जादू की क्या मजाल है कि मेरा कुछ बिगाड़ ले? ऐसे मौके पर आमतौर पर लोग जवाब में मुझ एक दलील देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तो जादू हो गया था। वो दुरुस्त नहीं है बात, ये याद रखिए। जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरी जिंदगी से गुजार गया कि हमारे लिए मिसाल कायम रहे कि हमने अपनी दुनियावी जिंदगी कैसे गुजारनी है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जादू का असर करके दिखाया गया कि जादू का वजूद है और जादू असर करता है। लेकिन हम उसका अगला हिस्सा भूल जाते हैं कि रब ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही के जरिए से फरमाया कि ये पढ़ो, इसका असर जाहिल हो जाएगा, और वो असर जाहिल हो गया। तो रब ने जादू के वजूद को तो साबित किया, उसके साथ साथ जादू का तोड़ भी बताया। गज़वे उहद में मुसलमानों को एक वक्ती शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्यों? इसलिए कि मुसलमानों को सबक देना जरूरी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सरताबी, आपके हुक्म के खिलाफ जाने की सजा क्या है, उसका अंजाम क्या होता है, वरना कोई ये कह दे कि शिकस्त हुई थी, लेकिन वो भी एक सबक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर नहीं, रसूल की बात नहीं मानोगे तो सजा ये है फिर। तो इसी तरह जादू का वजूद है लेकिन उसके साथ रब ने तोड़ बताया।
तो अगर हमारा ईमान यह है कि हमारा रब ऑल टाइम पावरफुल है तो जादू से क्या डरना, रब मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा जिंदा और कायम रहने वाला है। खौफ किस बात का है, राज़िक रब है, जितना वो रिस्क हमें देना चाहता है उसे कोई ना घटा सकता ना बढ़ा सकता है, मिन जानिबे अल्लाह है, किसी की ये ताकत नहीं कि उसके देते हुए हाथ को रोक सके, या अगर वो न देना चाहे तो मुझे दिला दे, तो खौफ किस बात का है। तो रब का कलाम तो हमें ये सबक देता है कि दुनिया की हैसियत कुछ नहीं है, इस दुनिया को हकीर जानो। तो हम उसी कलाम को दुनिया के हसूल के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अफसोसनाक पहलू है। सूरह अखलास का वर्द हम जरूर करें, जरूर पढ़ें, लेकिन उसके पढ़ने के पीछे इस सूरह से सिर्फ मोहब्बत हो, वो मोहब्बत भी इसलिए कि ये कलाम इलाही है, और दूसरी बात यह है कि वो मेरे रब को डिस्क्राइब करती है, मेरे रब को बयान कर रही कि रब, मेरा रब है कैसा। तो अगर इस मोहब्बत में इस सूरह को हम पढ़ते हैं तो उसके इनामात बहुत हैं। उसका सबसे बड़ा इनाम कुर्ब इलाही है। जिस इंसान को कुर्ब इलाही हासिल हुआ, कुल कायनात उसकी है। तो अगर हमने विर्द करना है इस सूरह का इस जज्बे के साथ, इस मोहब्बत में, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनियावी हसूल के लिए, दुनियावी माल उजर के हसूल के लिए, जादू से बचने के लिए, तो फिर वो हमारा ईमान क्या हुआ। तो हम अगर अपने ईमान को रब ताला पर मजबूत कर लें कि रब ताला मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मौजूद रहने वाला है, वो हमसे बेपना प्यार करता है, हमारी माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, तो अगर हमारी वालदा नहीं हमें नुकसान में जाते देख सकती, तो रब जो वालदा से 70 गुना ज्यादा मेहरबान है वो कैसे देखेगा। हाँ, बच्चे को नुकसान होता है अपनी उसकी कोताही से कि जलती आग को मां की आंख बचा के अगर वो छू ले तो हाथ जलता है, उसका दर्द होती है, लेकिन उस पर मरहम मां ही रखती है। तो हम अपने अगर कोताही की वजह से, रब ने कहा कि इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इंसान को कोई घाटा नहीं होता मां सिवाय उसके अपने हाथ से, इंसान पर कोई मुसीबत नहीं आती मां सिवाय उसके अपने हाथ से। तो अगर अपनी हमाकत से हम किसी मुश्किल में जाते हैं, तो जिस तरह अगर बच्चा मां की आंख बचा के आग पर हाथ रख दे जल जाए तो मां तड़पती है, मरहम रखती है मां हाथ पर, उस वक्त तक बच्चे की नर्सिंग करती है जब तक कि उसका वो छाला ठीक ना हो जाए। तो रब ताला हमें मुश्किलों से निकालने वाला है, वो निकाल लेता है, सिर्फ गिड़गिड़ाना शर्त है उसके हजूर कि उसके हजूर गिड़गिड़ाया जाए।